लोकसभा चुनाव का पहला चरण समाप्त होने के बाद बाकी चरणों के लिए प्रचार तेज हो गया है। सभी राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता देश भर में रैलियां कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दक्षिण भारत के चुनावी दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तमिलनाडु के थेनी में रैली को संबोधित किया। रैली में प्रधानमंत्री ने कहा कि तमिलनाडु में लोगों ने डीएमके और कांग्रेस का अंत करने का मन बना लिया है। उन्होंने महागठबंधन को मिलावटी बताया, कहा कि महामिलावटी देश के विकास के लिए काम नहीं कर रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि मदुरई में सड़कों और घर घर बिजली पहुंचाई गई है। प्रधानमंत्री किसान निधि योजना के तहत किसानों के खाते में सीधे 10,000 करोड़ भेजे गए हैं। दूसरी किश्त भी जल्द पहुंच जाएगी। तमिलनाडु की सभी सीटों पर दूसरे चरण में मतदान होना है। टुडे आई एम हियर टू प्रेजेंट एन अकाउंट ऑफ द वर्क डन सो फार एंड ऑल्सो टू एक्सपोज द डिसीट एंड करप्शन ऑफ द महामिलावट। इंडिया इज रैपिडली मेकिंग ए मार्क इन द वर्ल्ड। द कांग्रेस द डीएमके एंड देयर महामिलावटी फ्रेंड्स कैन नॉट एक्सेप्ट दिस। दैट इज वाई दे आर अनहैप्पी विथ मी। फार्मर्स आर द सोल ऑफ अवर नेशन। थ्रू द प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि लैक्स ऑफ फार्मर्स इन तमिलनाडु आर नाउ रिसीविंग ओवर 4,000 करोड़ रुपीज एवरी ईयर। मैनी फार्मर्स हैव रिसीव्ड द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट डायरेक्टली इन देयर बैंक्स। इट इज नाउ टाइम फॉर द सेकंड इंस्टॉलमेंट। फॉर डेकेड्स फार्मर्स वेर डिमांडिंग MSP एट 1.5 times द कॉस्ट। वी हैव फुलफिल्ड दिस डिमांड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज कर्नाटक में लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने वाले हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 17 सीटें जीती थी। कर्नाटक को 9 और जेडीएस को 2 सीटें मिली थी। बीते आम चुनाव में दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ रही थी, लेकिन इस बार गठबंधन करके चुनाव मैदान में उतरी हैं। कर्नाटक में प्रधानमंत्री 4 दिन के भीतर दूसरी बार राज्य में रैली करने वाले हैं। मंगलवार को प्रधानमंत्री ने चित्रदुर्ग और मैसूरू में रैलियों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री की आज मंगलुरु और बेंगलुरु में रैलियां हैं। राज्य में बीजेपी सांसद और उम्मीदवार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाकर अपना प्रचार कर रहे हैं। बीजेपी का दावा है कि वो राज्य की 28 में से 20 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करेगी। When I say मोदी factor, it represents many aspects. One is his performance as Prime Minister for the last 5 years. In terms of governance, in terms of development, in terms of welfare. And second important is his performance as a Prime Minister in safeguarding the national interest, national security and all these things. So this is helping, and slowly as we are now passing through this kind of campaign phase and coming nearer to elections, the undercurrent is becoming more and more visible. So there is overwhelming a kind of wave-like situation in favor of Modi ji and BJP. वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और जेडीएस प्रमुख HD देवेगौड़ा की आज मंड्या संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के KR नगर में चुनावी सभा है। राहुल गांधी और देवेगौड़ा की ये दूसरी साझा रैली है। पिछले हफ्ते भी दोनों पार्टियां साझा रैली कर चुकी हैं। हालांकि वोटों का हस्तांतरण सत्तारूढ़ गठबंधन के लिए चुनौती बना हुआ है। One of the pride of Karnataka is the fact that our own man, Shri Devegowda, became Prime Minister. And the point was made by a Congress leader that it was a Congress party that supported Mr. Devegowda and helped make him Prime Minister as well. So that's the kind of, we need to remember that we worked together in the past, and that working together has helped our own son of the soil reach the highest position in the land. So that's the kind of historical memory that we are rekindling, and that is certainly ensuring that the chemistry between us is very, very strong. कांग्रेस और जेडीएस ने मई 2018 में विधानसभा चुनाव एक दूसरे के विरोध में लड़ा था, लेकिन त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में दोनों ने गठबंधन कर सरकार बना ली थी।
जबकि बीजेपी सबसे बड़े दल के रूप में उभरने के बावजूद सरकार नहीं बना पाई थी। बेंगलुरु से कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और बेंगलुरु से कृति मिश्रा सीधा हमारे साथ जुड़ गई हैं। कृति, हम जानते हैं कि अब जो दक्षिण भारत के खास तौर पर राज्य हैं, चाहे वो तमिलनाडु या कर्नाटक हो, अगले चरणों को लेकर यहाँ बड़े नेता प्रचार करते नजर आ रहे हैं। कर्नाटक में आप मौजूद हैं, जो तमाम दलों के नेता हैं उनसे बात की और सब दावे कर रहे हैं कि इस बार बड़ी जीत उन्हें ही हासिल होगी। किस तरह से अलग नजर आ रहा है इस बार का चुनाव कर्नाटक में? जैसा आपने कहा कि जितने भी दल हैं वो सभी ये दावा कर रहे हैं कि वही जीतेंगे, लेकिन ऐसे में बीजेपी का मानना है कि 2014 के कंपैरिजन में इस बार उसका परफॉर्मेंस बेटर होगा और वो 27 सीटें जो लड़ रहे हैं उसमें से तकरीबन 20 से 22 सीटें जीतेंगे। उनका मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी लोकप्रिय हैं और साथ ही साथ जो सेंट्रल सेक्टर की स्कीम रही है उससे लोग काफी प्रभावित हैं। जब मैं कल थी बीजेपी के मुख्यालय में कर्नाटका के, तो एक बड़े वरिष्ठ बीजेपी के नेता ने मुझसे कहा कि यहाँ पर 27 सीटों पर कैंडिडेट जो है वो सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी ही हैं और उन्हीं के चेहरे पर ये पूरा इलेक्शन कर्नाटका में होने वाला है। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें जेडीएस और कांग्रेस की, तो देखिए एक बड़ी चुनौती ये है कि किस तरह से दोनों पार्टियों के वर्कर साथ आएंगे, क्योंकि प्रीति दशकों से इन दोनों पार्टीज के बीच में राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता रही है, वो दशकों से एक दूसरे के खिलाफ लड़ते आए हैं। कल ही की बात में अगर आपको बताऊं तो मांड्या में कांग्रेस पार्टी को 7 डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स को सस्पेंड करना पड़ा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का आरोप था कि वो प्रेसिडेंट्स जेडीएस के जो कैंडिडेट हैं उनके फेवर में कैंपेनिंग नहीं कर रहे हैं और उनके खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं। तो कांग्रेस जेडीएस के सामने एक ये बड़ी चुनौती है और देखना होगा कि चुनाव आने तक ये दल किस तरह से वोटर्स को अपने फेवर में कर पाते हैं और किस तरह से एक यूनाइटेड फ्रंट जो साझेदारी है उसको लोगों के सामने रख सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कृति इस जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। और दक्षिण के राज्यों में चुनावी सरगर्मियां तेज हैं, तो वहीं उत्तर में भी धुआंधार प्रचार हो रहा है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज उत्तर प्रदेश के चुनावी दौरे पर हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज उत्तर प्रदेश के बदायूं और शाहजहांपुर में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। अमित शाह पहले बदायूं के इस्लामी इंटर कॉलेज में जनसभा को संबोधित करेंगे, इसके बाद वो शाहजहांपुर के रामलीला मैदान में जनसभा करेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज फतेहपुर सीकरी में रोड शो करेंगी। वो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राज बब्बर के साथ 87 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगी। इस निर्वाचन क्षेत्र में राज बब्बर का मुकाबला बीजेपी के राजकुमार चाहर से है। एसपी बीएसपी गठबंधन ने देबाई के बीएसपी विधायक गुड्डन पंडित को बतौर लोकसभा उम्मीदवार मैदान में उतारा है। वही उत्तर प्रदेश के बदायूं में ही आज एसपी बीएसपी और आरएलडी गठबंधन की संयुक्त जनसभा होगी। साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल साउथ गोवा में रैली को संबोधित करेंगे। मथुरा से बीजेपी उम्मीदवार हेमा मालिनी ने चुनाव जीतने का भरोसा जताया है। हेमा मालिनी ने कहा कि उन्होंने और उनकी सरकार ने अच्छा काम किया है। उन्होंने कहा कि पूरा सिस्टम बदल रहा है और लोगों को विकास चाहिए। हेमा मालिनी ने कहा कि जाति की राजनीति अब काम नहीं करती है। I am very confident because I have done good work and my government has done wonderful work. So I am sure people are having good feeling for our government. The whole system is changing, people are changing, people want development and people want a quick decision to be taken for everything, whatever is happening in this country. So they are all very involved in the politics. So caste and all, I don't think it is. Even every different caste people, they all want Modi. That's what wherever I go, the feeling is like that. चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान का आंकड़ा शुक्रवार को जारी किया। इसके मुताबिक 18 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 91 सीटों के लिए गुरुवार को हुए चुनाव में कुल 69.43% मतदान दर्ज किया गया। हालांकि इसमें थोड़ा अंतर हो सकता है क्योंकि कुछ पोलिंग पार्टियां वापस नहीं लौटी हैं। 2014 में सभी 9 चरणों में कुल 66.44% मतदान हुआ था।